हमारा मुख्य उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में अगली बार 2023 में हमारी SC ST OBC की सरकार बने और जो मूवमेंट की है, जो बहुजन विचारधारा की हो, यही आशा और विश्वास के साथ हम लोग पूरा समर्थन भी मार्मी को करते हैं। इस आंदोलन से बाबा बागेश्वर धाम के पाखंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई, जो लोग समझदार हैं वो तो समझ चुके हैं कि पाखंड से कुछ होने वाला नहीं है। हमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए। पाखंड से अगर कोई अपनी नौकरी पाता तो कोई अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता, मंदिर भेजता। ये कदम विज्ञान का होगा, तर्कशील विज्ञान का होगा, अंधविश्वास से OBC दूर भगेगा। और भीम आर्मी को आप लगातार समर्थन दे रहे हो, भीम आर्मी में क्या भविष्य दिखता है आपको? भीम आर्मी OBC महासभा का एक प्रेम और एक सोच का विचारधारा के साथ हम लोग काम करते हैं। हमारा हक है, हमारा अधिकार है, जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। गढ़ में आपने मोर्चा खोलने का क्या फायदा मिलेगा? अरे छोड़ो, ये बागे आगे सुर हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। वो तो पूरे इस देश के भगवान माने बैठे हैं। अरे भगवान से सीधे वाले वो मानते हैं, सीधी बात है, जो पढ़ा लिखा इंसान है वो नहीं मानेगा। सीधी बात भगवान से हो रही उनकी। अरे राम रावण, हमें पता नहीं है किसकी हो रही किसकी नहीं हो रही, मगर अपन तो अंधविश्वास के खिलाफ है। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो भीमिशन TV। बाबा बागेश्वर धाम के गढ़ में भीम आर्मी का एक बड़ा आंदोलन है, OBC महासभा समर्थन देने के लिए आ चुकी है। ये आप रथ देख पा रहे होंगे OBC महासभा का, किस तरीके से महापुरुषों की तस्वीर लगी हुई है। यहाँ के जो हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र पटेल है, OBC महासभा प्रदेश सचिव हूँ। हमारा पूरा समर्थन भीम आर्मी को है, पूरे छतरपुर जिले से नहीं, पूरे मध्य प्रदेश से। अभी 2 घंटे बाद हमारी पूरा जनसमूह यहाँ इतना ज़्यादा जनसैलाब उमड़ेगा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में छतरपुर में पहली बार ऐसी रैली होगी। अब थोड़ी काम है, इसलिए लोग बाग काम निपटा के जल्द से जल्द और अपनी छतरपुर जिले के SC ST OBC माइनॉरिटी से निवेदन करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में हमारे भीर मानवी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी पधार रहे हैं, उनके स्वागत के लिए OBC महासभा का एक कार्यक्रम पेप्टिक टाउन के वहाँ किया गया है। उसके बाद तत्पश्चात हम उनके साथ में मेला ग्राउंड छतरपुर पहुँच रहे हैं और अभी हमारा गांव-गांव से हम प्रचार करके भी आए हैं अपने लोगों तक कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में OBC महासभा के OBC वर्ग के लोग भीम आर्मी को समर्थन दें। बाबा बागेश्वर धाम के गढ़ में आप आए हुए हो, आपको जिस तरीके से मुख्यमंत्री, पूरी सरकार उनके चरणों में, आप उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखते हो, कहाँ से इतनी हिम्मत आई आपके अंदर? जे सरकार खुद चाहती है कि SC ST OBC को धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर यहाँ गुमराह किया जाए, जिससे इनके हक अधिकार छीने जाएं। इनका मूल उद्देश्य SC ST OBC को गुलाम बनाए रखना है। क्या अब OBC जाग चुका है? OBC 50% जाग चुका है। आने वाले 2023 के चुनाव में ना मुंहतूर जवाब दिया जाएगा। सर, इस रथ का क्या उद्देश्य है, किस तरीके से इस रथ का उद्देश्य है गांव-गांव तक पहुंचना और अपनी बात ग्रामों तक पहुंचाना और अपने लोगों तक। OBC बिल्कुल आप लगातार जमीन पर OBC को जगाने में लगे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में अगली बार 2023 में हमारी SC ST OBC की सरकार बने और जो मूवमेंट की है, जो बहुजन विचारधारा की हो, यही आशा और विश्वास के साथ हम लोग पूरा समर्थन भीम आर्मी को करते हैं। इस आंदोलन से बाबा बागेश्वर धाम के पाखंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई, जो लोग समझदार हैं वो तो समझ चुके हैं कि पाखंड से कुछ होने वाला नहीं है। हमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए। पाखंड से अगर कोई अपनी नौकरी पाता तो कोई अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता, मंदिर भेजता। इसी हमें सब लोगों को समझदारी दिखानी है, मंदिर ना जाके हमें अपने स्कूल कॉलेज की ओर जाना पड़ेगा। क्या आपको लगता है बाबा बागेश्वर धाम पाखंडी है? नहीं, हम इस चीज को मानते हैं कि जो भी पाखंड का विरोध करता है हम उसके विरोधी हैं। तो अब क्या आएगा कदम रहेगा आगे? यह कदम विज्ञान का होगा, तर्कशील विज्ञान का होगा, अंधविश्वास से OBC दूर भगेगा। और भीम आर्मी को आप लगातार समर्थन दे रहे हो, भीम आर्मी में क्या भविष्य दिखता है आपको? भीम आर्मी OBC महासभा का एक प्रेम और एक सोच का विचारधारा के साथ हम लोग काम करते हैं। आपसे बात करेंगे। OBC महासभा मध्य प्रदेश परिवार की तरफ से पूरा समर्थन भीम आर्मी को है और आने वाले चुनाव में 2023 के चुनाव में इसका मुंहतोड़ भाजपा सरकार को जवाब मिलेगा। बागेश्वर धाम का साफ कहना है कि OBC के खिलाफ उनका सीधा हमला होता है, प्रीतम लोधी है, उनसे कहा टटरी पे उठा देंगे, इस भाषा को किस तरह से देख रहे हो आप? जो भी ऊट पटांग हमारे SC ST OBC को प्रताड़ना है, फर्जी केस,
इसको लेकर आज एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सब समझ चुकी है। आने वाले समय में इसका हम लोग सब लोग जवाब देंगे मिलकर। आगे वाले समय जाओ, क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम चरण सिंह पटेल, प्रदेश अध्यक्ष हूँ किसान मोर्चा ओबीसी महासभा से। कहाँ से आना आ रहा हूँ मैं? खजुराहो से। किस तरीके से देख रहे हो इस आंदोलन को? आंदोलन बहुत भव्य होगा और जो हमारा हक अधिकार छीना जा रहा है उसको लेकर रहेंगे, छीन के लेंगे। हमारा हक है, हमारा अधिकार है, जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जय भीम। हिस्सेदारी के लिए पूरा आंदोलन हर तरीके से करोगे? अरे हर जगह आंदोलन हो गए, जब तक हमारा हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। बागेश्वर धाम के गढ़ में आपने मोर्चा खोल रखा, क्या फायदा मिलेगा? अरे छोड़ो ये बागे बागेश्वर, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। वो तो पूरे इस देश के भगवान माने बैठे हैं। अरे भगवान से वाले वो मानते हैं, सीधी बात है। जो पढ़ा लिखा इंसान है वो नहीं मानेगा? सीधी बात भगवान से हो रही उनकी। अरे राम रावण, हमें पता नहीं है किसकी हो रही किसकी नहीं हो रही, मगर अपन तो अंधविश्वास के खिलाफ है, पाखंडवाद के खिलाफ है। ओबीसी जाग चुका है? हाँ जाग चुका है, ओबीसी का पूरा समर्थन है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये पूरा रथ यहाँ पर आ चुका है और भीम आर्मी को पूरा समर्थन देने के लिए छतरपुर में ओबीसी महासभा के तमाम पदाधिकारी तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख लीजिए पूरे काफिले के साथ आए हुए हैं, तमाम लोग इनके साथ मौजूद हैं और सीधी तस्वीर हम आपको छतरपुर मेला ग्राउंड से दिखा रहे हैं। अभी उनसे और बातचीत करेंगे, फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।